बस 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 बस। और अभी इसके इंजन को थोड़ा इस तरीके से ट्रैम्प ने ट्यून भी कर दिया है कि अगर रॉयल एनफील्ड के जो राइडर्स हैं वो अगर शिफ्ट होना चाहें तो वो यहाँ पे आ सकते हैं। अरावली के पहाड़ों से चल के हाईवे से आते हुए अब हम आ गए हैं द्वारका सिटी में, और यहाँ सिटी में अब आपको राइड करते हुए बताएंगे कि बाइक को जब आप सिटी में राइड करोगे तो आपको क्या मजा आने वाला। अभी भी अगर आप 2.5 लाख रुपए में 350 cc की बाइक ले रहे हो ना, तो भाई नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक बार 400 cc की बाइक चला के देखो, आपको मजा आ जाएगा। बाइक दिखने में काफी हद तक सिमिलर है ट्रायम्फ स्पीड 400 से, लेकिन इसका कैरेक्टर काफी डिफरेंट है। स्पीड 400 थोड़ी सी अग्रेसिव बाइक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर्स के लिए है, लेकिन T4 टोक लवर्स के लिए है। ये बाइक इजी राइडर्स के लिए बनी है। इसके इंजन की ट्यूनिंग डिफरेंट है, और साथ ही इसका जो रियर स्प्रोकेट है उसके अंदर 39 टीथ आपको मिलेंगे, जबकि ट्रायम्फ स्पीड 400 के अंदर 43 टीथ का रियर स्प्रोकेट दिया गया है। इसके इंजन की ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है ताकि इसका 85% टोर्क आपको 2500 rpm से लेके 5000 rpm के बीच में मिल सके। बेशक ये बाइक 0-60 और 0-100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में ट्रायम्फ स्पीड 400 से ज़्यादा टाइम लेती है, लेकिन फिर भी इस बाइक को राइड करने में आपको बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि इसके अंदर एफर्टलेस राइडिंग आपको मिलेगी। स्पीड 400 के अंदर काफी शार्प ब्रेकिंग सिस्टम है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रोग्रेसिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। सिंटर्ड ब्रेक पैड्स इसके अंदर नहीं है, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स हैं, लेकिन फिर भी इसका ब्रेकिंग सिस्टम काफी अच्छा है। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की जगह पे 43mm के टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद बाइक के सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और कंफर्ट बहुत अच्छा है प्रोवाइड करते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गेट गो मोटो व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में हम राइड करने वाले हैं दी ऑल न्यू ट्रायम्फ स्पीड T4 को, और राइड करके देखेंगे कि बाइक के सस्पेंशन कैसे हैं, बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम कैसा है, जब आप बाइक के ऊपर बैठोगे तो फील कैसा आता है, जब आप बाइक को राइड करोगे तो बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। सो जैसे आप पहली बार बाइक पे ऊपर बैठोगे तो यार बाइक के अंदर फील काफी अच्छा है, क्योंकि बाइक की जो सीट है ना उसकी कुशनिंग काफी इंप्रूव हो गई है, तो पहले से ज्यादा कंफर्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। सीट हाइट थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन अगर आपकी हाइट 5'5" के आसपास की भी है तो भी आप कंफर्टेबली इस बाइक को राइड कर सकते हो। मेरी हाइट 5'7" है, तो एक साइड से मैं पूरा फ्लैट फुट इसके अंदर रख सकता हूँ। हैंडल बार बाइक का काफी वाइड है, जैसा रेट्रो बाइक्स के अंदर होता है बिल्कुल वैसा ही, लेकिन आपको बिल्कुल भी आगे की तरफ लीन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइक का हैंडल बार जो है वो राइडर की तरफ ही है थोड़ा, तो आप बिल्कुल आराम से कंफर्टेबली बैठ के इस बाइक को राइड कर सकते हो। राइडिंग स्टांस इसका हल्का सा रिलैक्स्ड है एज कम्पेयर टू ट्रायम्फ स्पीड 400, आपको थोड़ी सी ये ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगी। हालांकि जो बाइक के अंदर स्विच गियर्स की क्वालिटी है, जो बाइक के अंदर पेंट की स्कीम है, जो बाइक के अंदर अटेंशन टू डिटेल्स है, वो आपको बिल्कुल एक्जैक्टली सेम देखने को मिलेंगी ट्रायम्फ स्पीड 400 के जैसे ही, लेकिन इसके अंदर आपको बार एंड मिरर्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अंदर कन्वेंशनल टाइप के नॉर्मल मिरर्स दिए गए हैं, तो इजीली ये सिटी में कहीं भी टकराएंगे नहीं, और इनकी स्टेबिलिटी भी यार काफी अच्छी है, इनसे पीछे का व्यू भी काफी अच्छा आता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बाइक का राइडिंग स्टांस आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा, बाइक को आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हो सिटी के अंदर। और इसका आइडल जो है वो 1300 rpm पे सेट किया गया है 1300 rpm पे, लेकिन स्पीड 400 का जो आइडल है वो 1500 rpm पे सेट किया गया है। इसी वजह से इस बाइक के अंदर थंप और ग्रंट आपको थोड़ा ज्यादा अच्छा मिलेगा। फर्स्ट गियर में बाइक 50+ km/h की स्पीड अचीव कर लेती है, और सेकेंड गियर में बाइक 70 km/h की स्पीड के आसपास अचीव कर लेती है। तो इनिशियल टॉर्क, इनिशियल एक्सेलेरेशन बाइक का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। जैसे ही आप पुल करते हो बाइक के अंदर लीनियर पावर मिलती है, थ्रिल इसके अंदर स्पीड 400 के जैसा नहीं है, उससे थोड़ा सा थ्रिल इसके अंदर आपको कम मिलेगा। ये एकदम इजी टू राइड मशीन है, जिसको आप प्यार से लेके सिटी में राइड कर सकते हो। लो एंड टॉर्क अच्छा होने की वजह से इस बाइक को आप फोर्थ गियर में या फिफ्थ गियर में भी 35-40 km/h की स्पीड पे क्रूज कर सकते हो, यानी कि इस बाइक की जो ट्रैकेटेबिलिटी है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, जो आपको सिटी ट्रैफिक में चाहिए होती है वो चीज़ इस बाइक के अंदर आपको मिलेगी। तो लो एंड टॉर्क बेटर होने की वजह से इस बाइक को आप स्मूथली राइड कर सकते हो। इस बाइक का जो इंजन है वो ज़्यादा रिलैक्स्ड है, ज़्यादा काम है। अभी फिफ्थ गियर है, और फिफ्थ गियर में बाइक आराम से 40 km/h की स्पीड के आसपास में मैं राइड कर रहा हूँ, और बिल्कुल भी कोई जर्क्स नहीं है, कोई झटके नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल प्यार से बाइक चल रही है, और बाइक को चलाने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। और इसके अंदर आपको ग्रंट भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, तो आप हायर गियर में अगर कम स्पीड में भी चलते हो तो आपको बाइक को चलाने में बिल्कुल मज़ा भी आएगा, और आपको बाइक की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। पावर भले ही इस बाइक के अंदर थोड़ी कम है स्पीड 400 के मुकाबले, लेकिन मज़ा बिल्कुल भी कम नहीं है, 1% भी इस बाइक के अंदर मज़ा कम नहीं है। स्पेशली टॉर्क लवर्स के लिए है ये बाइक, और उन राइडर्स के लिए है जिनको बाइक के अंदर पावर से ज़्यादा टॉर्क चाहिए होता है। 31 PS की मैक्सिमम पावर है बाइक के अंदर, जो 7000 rpm पे डिलीवर होती है, और इसके अंदर 36 Nm का मैक्सिमम टॉर्क है, जो मैक्सिमम 5000 rpm पे डिलीवर हो जाता है। लेकिन 85% जो बाइक का टॉर्क है वो सिर्फ 2500 rpm से लेके 3500 rpm के आसपास में ही मैक्सिमम टॉर्क इस बाइक का डिलीवर हो जाता है, जिसकी वजह से इस बाइक का अपना एक यूनिक कैरेक्टर है, एक इंडिविजुअल है। राइडिंग स्टांस बाइक का थोड़ा सा रिलैक्स्ड आपको मिलेगा, तो आप कंफर्टेबली लॉन्ग हाईवे राइड्स भी इसके साथ में कर सकते हो, और सीट की कुशनिंग भी अब थोड़ी सी इंप्रूव हुई है,
तो लॉन्ग हाईवे राइड्स करने के लिए और भी थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। और पिलियन के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल है क्योंकि इसकी सीट थोड़ी सी बड़ी है, तो आपको पिलियन के लिए स्पेस अच्छा खासा इसके अंदर मिल जाएगा। पिलियन आपके साथ बैठ के आराम से सिटी में तो राइड कर ही सकता है, लॉन्ग हाईवे राइड्स भी आपके साथ में पिलियन आराम से करेगा। ट्रायंफ ने इस बाइक के इंजन को थोड़ा सा रीट्यून किया है और एक अलग करेक्टर में इस बाइक को डाला है, जिसकी वजह से ये बाइक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर्स को सूट नहीं करेगी, लेकिन जो इजी राइडर्स हैं जिनको डेली कम्यूट करना है, मोस्टली बाइक को सिटी में ही राइड करना है, अगर आपको 80% बाइक को सिटी में ही राइड करना है तो आपके लिए ये बाइक थोड़ी ज़्यादा अच्छी है, थोड़ा एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि इस बाइक की मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम टॉर्क स्पीड 400 के मुकाबले 1000 कम आरपीएम पे आपको मिल जाता है, क्योंकि ट्रायंफ स्पीड 400 में मैक्सिमम पावर लगभग 8000 आरपीएम पे मिलती है और मैक्सिमम टॉर्क लगभग 6000 आरपीएम पे जाके मिलता है, लेकिन इसके अंदर 7000 आरपीएम पे पावर और 5000 आरपीएम पे टॉर्क मैक्सिमम डिलीवर हो जाता है। भले ही बाइक के अंदर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी की इस बाइक के अंदर कमी फील नहीं हो रही है, क्योंकि थ्रोटल के रिस्पॉन्स के अंदर कोई भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं है, बिल्कुल क्विक रिस्पॉन्स है यार। जैसे ही आप थ्रोटल देते हो तो उसी के साथ जो थ्रोटल का रिस्पॉन्स है वो मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे तो जैसे ही मैं थ्रोटल दे रहा हूँ तो बाइक रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर रही है। अब बात करते हैं वाइब्रेशन के बारे में, तो इस बाइक के अंदर वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है। वाइब्रेशंस आपको इस बाइक के अंदर 6000 आरपीएम के बाद ही देखने को मिलेंगी, उससे पहले बाइक के अंदर वाइब्रेशंस बिल्कुल ना के बराबर हैं। स्पीड 400 के मुकाबले वाइब्रेशन इसके अंदर बहुत ही कम है। स्पीड 400 थोड़ी सी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन है, उसके इंजन को इस तरीके से ट्यून किया गया है ताकि उसके अंदर पावर मैक्सिमम आपको मिल सके, तो इसीलिए उसके अंदर वाइब्रेशंस थोड़ी सी हैं हायर आरपीएम पे, लेकिन इसके अंदर हायर आरपीएम पे भी जाने के बाद वाइब्रेशन बहुत ही कम है। सो गियर बॉक्स बिल्कुल इस बाइक का मक्खन है, बिल्कुल स्मूथ गियर बॉक्स है और गियर शिफ्ट के अंदर कोई भी जर्क्स नहीं है। जो क्लच है वो बहुत ज़्यादा लाइट है, थ्रोटल का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स नहीं है थ्रोटल का, तो उसकी वजह से आपको ना एकदम से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि बाइक बहुत ज़्यादा तेज भाग जाएगी। बाइक के अंदर लीनियर पावर है, तो आप जितना थ्रोटल को दोगे उतना ही रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। बाइक के जो मिरर्स हैं ये बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं करते हैं, बिल्कुल ये सेट है। अभी मैं 80-90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी चल रहा हूँ या 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी अगर चल रहा हूँ तो भी इनके अंदर आपको कोई भी वाइब्रेशन नहीं मिलेगी। इनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है और पीछे से व्यू भी यार काफी डिसेंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रायंफ स्पीड 400 की स्टेबिलिटी तो यार बहुत ज्यादा गजब है ही, लेकिन इसकी भी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है यार। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बाइक के अंदर टायर्स जो हैं वो अपोलो अल्फा H1 की जगह पे MRF के दिए हैं, तो इसके अंदर स्टेबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो रही होगी, लेकिन मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ यार, स्टेबिलिटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज इस बाइक के अंदर नहीं हो रहा है। आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक चलोगे तो स्टेबिलिटी का आपको कोई भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। बाइक बहुत ही ज्यादा स्टेबल है, बहुत प्यार से रोड के ऊपर चिपक के चलती है बाइक। सो बाइक के अंदर जो टायर्स हैं वो बहुत अच्छा ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, बहुत अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं हैंडलिंग की, तो बाइक के अंदर यार टेलीस्कोपिक टाइप के फ्रंट फोक्स दिए गए हैं, अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बाइक की जो हैंडलिंग है वो बहुत ही बढ़िया है यार। हैंडल बार है बाइक के अंदर वो बिल्कुल सेम हाइड्रोफोमिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू बना हुआ है, तो हैंडल बार आपको सेम मिलेगा और राइडिंग स्टांस बाइक के अंदर थोड़ा रिलैक्स है, लेकिन हैंडलिंग बाइक की बहुत अच्छी है, बहुत ही निम्बल मशीन है, मैनूवर करना बहुत ईजी है यार इसको। मैनूवरेबिलिटी इसकी आपको बहुत ही शानदार देखने को मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है कहीं पे भी। आप सिटी में चाहो तो इजीली मैनूवर इसको कर सकते हो, हाईवे पे मैनूवर कर सकते हो। सो इस बाइक की स्टेबिलिटी, इस बाइक की मैनूवरेबिलिटी, हैंडलिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। स्पीड 400 की भी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती थी और यहाँ पे भी हैंडलिंग और स्टेबिलिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। चाहे अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स इस बाइक के अंदर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस बाइक के अंदर आपको कंफर्ट काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। किसी भी बाइक के अंदर सस्पेंशन कैसे होनी चाहिए मुझसे अगर कोई पूछे तो यार मैं यही कहूँगा कि स्पीड 400 और स्पीड T4 के जैसे सस्पेंशन होने चाहिए। इस बाइक के अंदर सस्पेंशन की ट्यूनिंग इतनी ज़्यादा अच्छी है कि मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा है कि स्पीड 400 है या T4 है। अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स की कमी फील नहीं होगी इस बाइक के अंदर, मुझे बिल्कुल भी कमी फील नहीं हुई है। मैं इस बाइक को सिटी में भी राइड कर चुका हूँ, एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भी कर चुका हूँ, हाईवे पे भी राइड कर रहा हूँ, तो इस बाइक के अंदर सस्पेंशन की ट्यूनिंग बहुत ही शानदार है यार, बहुत ही स्मूथ और कंफर्टेबल राइड आपको मिलेगी। स्पीड 400 के अंदर जो फ्रंट सस्पेंशन का ट्रैवल है उतना ही ट्रैवल आपको इसके अंदर मिलेगा, लेकिन रियर सस्पेंशन का ट्रैवल थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इस बाइक के अंदर 140 सेक्शन का आपको टायर दिया गया है, 140/70 सेक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंग इसके रियर सस्पेंशन की ट्यूनिंग थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन उसकी वजह से बाइक की जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस भी इंप्रूव हो गया है। तो जो छोटे मोटे गड्ढे आते हैं, चाहे बड़े गड्ढे आते हों, तो आपको अब ग्राउंड क्लियरेंस भी बाइक का थोड़ा अच्छा मिलेगा। 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस अब आपको इसके अंदर मिल जाएगा, तो बाइक थोड़ी ऊंची जरूर हुई है लेकिन उसका आपको फायदा ही मिलेगा, उसका कोई नुकसान नहीं है। सो इसके अंदर सिंटेड ब्रेक पैड्स नहीं है जो ट्रायंफ स्पीड 400 के अंदर हैं, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स आपको मिलेंगे, लेकिन ब्रेकिंग रिस्पॉन्स बाइक का बहुत अच्छा है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक बार थोड़ा सा,
अगर हम 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं और फिर भी अगर आप बाइक को रोकना चाह रहे हो तो बाइक रुकने में बिल्कुल टाइम नहीं ले रही है यार, बाइक वहीं की वहीं रुक जाती है। बाइक की ब्रेक्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है यार, ब्रेक्स का रिस्पॉन्स आपको टॉप नॉच मिलेगा, उसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बाइक की परफॉर्मेंस यार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मशीन नहीं है ये, एक कंफर्टेबल इजी टू राइड मशीन है, तो उसी हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम इसके अंदर दिया गया है। इस बाइक का यार फील काफ़ी डिफरेंट है, इस बाइक का करेक्टर बहुत डिफरेंट है, तो ये जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है, ये जो परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही है, जो इनिशियल टॉर्क और मिड रेंज प्रोवाइड कर रही है, वो कहीं ना कहीं यार बहुत डिफरेंट हो जाती है स्पीड 400 के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर जो मिड एंड परफॉर्मेंस मिल रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेके 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के बीच की जो परफॉर्मेंस है इस बाइक की, वो थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। आप चाहे फिफ्थ गियर में हो चाहे आप सिक्स्थ गियर में हो, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इस बाइक की। एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, बाइक को थोड़ा सा कम आने देते हैं एक बार स्पीड, अभी बाइक लगभग 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है और सिक्स गियर में है बाइक, तो अभी 50 चाहे 40 पे लेके आता हूँ एक बार फिर देखते हैं। अब बाइक एकदम 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ गई है और सिक्स गियर में है और अभी कोई भी झटके नहीं लग रहे हैं, कोई भी झटके नहीं है, कोई भी जक्स नहीं है, मैं इजीली यहाँ से बाइक को लेके चल सकता हूँ और इजीली यहाँ से अब मैं सिक्स गियर में, अब मैं चाहूँ अगर बाइक को यहाँ से थोड़ा सा एक्सेलेट करना तो बाइक यहाँ से एक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो मिड रेंज है बाइक की ये बहुत अच्छी है यार। इसका फ़ायदा आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका फ़ायदा आपको सिटी में देखने को मिलेगा। सिटी में अगर आपको बहुत ज़्यादा गियर शिफ्ट्स नहीं करने हैं तो आप फिफ्थ गियर में भी चल सकते हो, आप फोर्थ गियर में भी चल सकते हो, और अगर आप सिक्स्थ गियर में भी चलना चाहो तो आप सिक्स्थ गियर में भी चल सकते हो। आपको गियर चेंजेस करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आप एफर्टलेसली बाइक को राइड कर सकते हो। 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी आप इस बाइक में क्रूज कर सकते हो इजिली, और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी वाइब्रेशन बहुत ही कम है इसके अंदर। लेकिन एक क्रूजिंग स्पीड जो अच्छी होती है वो 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास की होती है, तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अभी बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है और अभी सिर्फ आप देख सकते हो यार 5500 से भी कम आरपीएम पे बाइक 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रही है। क्रूजिंग स्पीड है वो काफी सही है, लेकिन आरपीएम थोड़ा डाउन हो गए हैं जिसकी वजह से इंजन थोड़ा ज्यादा रिलैक्स है, इंजन पे स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है इंजन, और इस इंजन ट्यूनिंग की वजह से बाइक की जो माइलेज है वो बेटर मिलेगी। ट्रैम 10% की बेटर माइलेज क्लेम कर रही है, मैंने स्पीड 400 से हाईवे पे 35 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाली है। मुझे तो यार इस बाइक को सिटी और हाईवे दोनों में ही राइड करने में मजा आ रहा है। अगर हाईवे पे भी आप इस बाइक को लेके जाओगे तो आपको ये स्पीड 400 से थोड़ी बेटर माइलेज प्रोवाइड कर देगी। ये इंजन थोड़ा आपको ज्यादा रिलैक्स लगेगा, ज्यादा स्मूथ लगेगा। रिफाइनमेंट की अगर बात की जाए तो यार रिफाइंड है इंजन, बहुत ज्यादा रिफाइंड है। स्मूथनेस की मैं बात करूं तो यार ये इंजन बहुत स्मूथ है, बहुत रिफाइंड है, रिलायबल तो है ही। इस इंजन में अभी तक कोई दिक्कत आई नहीं है, कोई कमी नहीं है इंजन के अंदर। आपको ये इंजन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, बहुत अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड कर रहा है। 400 सीसी का इंजन होने के बावजूद भी माइलेज डिसेंट है इसके अंदर और परफॉर्मेंस तो ये अच्छी प्रोवाइड कर ही रहा है। और अब इसके इंजन को थोड़ा इस तरीके से ट्रैम्प ने ट्यून भी कर दिया है कि अगर रॉयल एनफील्ड के जो राइडर्स हैं वो अगर शिफ्ट होना चाहें तो वो यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक तो गियर ज़्यादा मिल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है यार कि आपको 2.5 लाख रुपए के बजट के आसपास में एक तो 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल रहा है, यानी कि अगर आप कंपटीशन पे देखोगे तो आपको वहाँ 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। तो इस बाइक के अंदर एक तो आपको गियर ज़्यादा मिल रहा है, 6 स्पीड गियरबॉक्स मिल गया, दूसरा इंजन इस बाइक का स्ट्रेस में नहीं रहेगा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा रिलैक्स इंजन रहेगा। चाहे आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलो, चाहे आप 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चलो, इंजन बहुत ही स्मूथली रन करेगा इसका, तो आपको वाइब्रेशन इसके अंदर बिल्कुल भी फील नहीं होंगे। आप कंपटीशन में किसी भी बाइक में देख लेना, आपको होंडा की बाइक के अंदर तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील नहीं होती होंगी, लेकिन बाकी और जो हैं कंपटीशन में उन बाइक्स के अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब आप क्रूज़ करते हो तब। लेकिन इसमें आप 120 पे क्रूज़ करोगे तो वाइब्रेशन यार बिल्कुल ना के बराबर है इस बाइक के अंदर। और कंपटीशन के अंदर आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। हालांकि बाइक के अंदर हीटिंग का अभी तक कोई इशू है नहीं, और हीटिंग का कोई इशू इस बाइक के अंदर आपको देखने को मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इंजन इस तरीके से ट्यून किया गया है ताकि इसके अंदर पावर तो बहुत ज़्यादा मिल ही नहीं रही है, लेकिन टॉर्क बहुत अच्छा मिल रहा है। सो उसकी वजह से इंजन हीटिंग का इशू इसके अंदर आने वाला है भी नहीं। स्पीड 400 के अंदर इंजन हीटिंग का इशू वैसे था भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है, थोड़ी बहुत हीटिंग तो होती है क्योंकि यार 400 सीसी का इंजन है, तो स्पीड 400 के अंदर थोड़ी बहुत हीटिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटिंग नहीं है, एक्सट्रीम हीटिंग नहीं है, लेकिन इसके अंदर हीटिंग का कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। सो अगर आप कंपटीशन में देखोगे तो बाकी और कॉम्पिटिटर्स हैं, वहाँ पे आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, इस बाइक के अंदर ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं। सो बाइक की हर गियर में स्पीड कितनी है उसको भी एक बार देखते हैं, फर्स्ट गियर से लेके 6 गियर तक। तो स्टार्ट करते हैं फिर, फर्स्ट गियर में 50, सेकंड में 70, थर्ड में अराउंड 100,
फोर्थ में 122, फिफ्थ में अराउंड 150, अब सिक्स में देखते हैं। सो अभी विंड ब्लास्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन 155 किलोमीटर पर आवर के आसपास की बाइक की टॉप स्पीड अभी निकल के आ रही है। लेकिन अगर थोड़ा सा एक बार और ट्राई करें अगर दूसरी साइड से, तो बाइक की टॉप स्पीड अराउंड 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की आपको मिल जाएगी। सो स्पीड 400 में आपको 170 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड मिलती है, और इसके अंदर आपको 160 किलोमीटर पर आवर के आसपास की टॉप स्पीड मिल रही है। तो यार कोई कमी नहीं है, ना तो इनिशियल एक्सेलेरेशन की कमी है, ना बाइक के अंदर लो एंड टॉर्क की कमी है। लो एंड टॉर्क बाइक का अच्छा है, मिड एंड परफॉर्मेंस भी बाइक की शानदार है, और उसी के साथ अगर टॉप एंड परफॉर्मेंस की बात की जाए तो टॉप एंड परफॉर्मेंस भी बाइक की धांसू है यार। सो बाइक की परफॉर्मेंस तो हमने देख ली, अब हम देखते हैं कि बाइक की ट्रैक्टेबिलिटी कैसी है, यानी कि हर गियर में बाइक की मिनिमम स्पीड कितनी है। तो बिना थ्रोटल दिए बाइक की स्पीड हर गियर में कितनी है वो एक बार देखते हैं। तो फर्स्ट गियर में बिना थ्रोटल के अभी बाइक की स्पीड आ रही है लगभग 10 किलोमीटर पर आवर के आसपास की। अब मैंने सेकंड गियर डाल दिया है, सेकंड गियर में बाइक की मिनिमम स्पीड अब बढ़ के लगभग 15 के आसपास हो गई है। अब मैंने थर्ड गियर डाल दिया है, थर्ड गियर में बाइक की जो मिनिमम स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। ओके, कोई झटके नहीं है, कोई जर्क्स नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल स्मूथली चल रही है, बिल्कुल प्यार से चल रही है, कोई जर्क्स नहीं है। अब मैं फोर्थ गियर डाल रहा हूँ, फोर्थ गियर मैंने डाल दिया है और कोई भी झटके नहीं लग रहे हैं, इंजन बहुत स्मूथली चल रहा है यार। लगभग 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के आसपास पे बाइक चल रही है अभी फोर्थ गियर में। अब मैंने फिफ्थ गियर डाल दिया है और फिफ्थ गियर में भी बाइक झटके मार रही है, हल्के हल्के से झटके लग रहे हैं, लेकिन अब बाइक ने स्टेबल होना स्टार्ट कर दिया है लगभग, और अब बाइक लगभग 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच गई है फिफ्थ गियर में, और झटके लगने बिल्कुल बंद हो गए हैं। अब कोई झटके नहीं लग रहे हैं यार, बिना थ्रोटल के बाइक चल रही है और अब लगभग 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड भी आने वाली है। नाइस यार, क्या ट्रैक्टेबिलिटी है यार इसकी। अब मैं लगाता हूँ सिक्स्थ गियर, अब मैंने सिक्स गियर डाल दिया है और सिक्स गियर में बाइक झटके हल्के फुलके झटके ले रही है, लेकिन बिल्कुल बाइक बंद नहीं हो रही है। तो बाइक की जो स्पीड है वो थोड़ी सी घट के अब 30 किलोमीटर पर आवर के आसपास की हो गई है, यानी कि फिफ्थ गियर में थोड़ा बेटर स्पीड मिल रही थी लेकिन सिक्स गियर में थोड़ी सी स्पीड कम है, मिनिमम स्पीड बाइक की और कम हो गई, यानी कि 30 के आसपास की है, बट झटके नहीं लग रहे हैं, झटके बिल्कुल बंद हो गए हैं लगने। सो ट्रैक्टेबिलिटी बाइक की बहुत अच्छी है यार, बताओ। अब मुझे हैंडल बार पकड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बाइक के अंदर ऐसा फील होगा आपको कि इसके अंदर आपको क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है। सिक्स गियर में बिना थ्रोटल दिए आप 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बाइक को चला रहे हो यार, बिल्कुल बाइक बिंदास चल रही है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बिना थ्रोटल के। ये ट्रैक्टेबिलिटी है यार ट्रायम्फ स्पीड T4 की। अरावली के पहाड़ों से चल के हाईवे से आते हुए अब हम आ गए हैं द्वारका सिटी में, और यहाँ सिटी में अब आपको राइड करते हुए बताएंगे कि बाइक को जब आप सिटी में राइड करोगे तो आपको क्या मज़ा आने वाला है। तो आप मैन्यूवरेबिलिटी देख रहे हो, बहुत ही निम्बल मशीन है यार, इसको मैन्यूवर करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है यार। हैंडलिंग क्या मक्खन है यार इस बाइक की। इंजन हीटिंग की मैं अगर बात करूँ तो यार सिटी में भी मैं अब राइड कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो इंजन हीटिंग का भी कोई इशू बाइक के अंदर नहीं मिला है। अगर आप ट्राइम स्पीड 400 राइड करते हो और उसके बाद अगर आपको T4 राइड करने के लिए दे दी जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ब्रेक्स का रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा यूज टू हो जाओगे इस बाइक से, थोड़ा सा इस बाइक को प्यार से राइड करोगे, तब आपको फील होगा कि इस बाइक के ब्रेक्स का रिस्पॉन्स डिसेंट है। बाइक के करेक्टर को बिल्कुल इस बाइक का ब्रेकिंग सिस्टम सूट करता है। सस्पेंशन की ट्यूनिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और छोटे मोटे जो गड्ढे आते हैं ना, चाहे वो पोर्ट होल्स कितने भी बड़े हों छोटे हों, स्पीड ब्रेकर्स चाहे कितने बड़े हों छोटे हों, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। सस्पेंशन हो तो ऐसे ही होने चाहिए यार, चाहे कोई स्पोर्ट्स बाइक हो चाहे कैसे भी हो, सस्पेंशन में ये बाइक बहुत अच्छी है, और इसका व्हील बेस यार थोड़ा सा बड़ा है। सो सिटी में अगर आप इस बाइक के साथ में राइड कर रहे हो तो फिफ्थ गियर में भी आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे राइड करना चाहो तो इजीली कर सकते हो। सिटी में अगर आपको रेड लाइट से पुल करना हो तो आपको इनिशियल एक्सेलेरेशन पिकअप बहुत शानदार मिलेगा। जैसे ही आप एक रेड लाइट से दूसरी रेड लाइट पे जंप करोगे तो आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपका प्यार से चलने का मूड है, बिल्कुल आराम से चलने का मूड है, तो आप बाइक के अंदर फिफ्थ या सिक्स्थ गियर लगा के छोड़ दो और बाइक को 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे क्रूज करते रहो। उससे क्या होगा कि बाइक आपको माइलेज तो अच्छा देगी ही, आपको कोई झटके फील नहीं करने पड़ेंगे और कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ेगा, बाइक एफर्टलेसली बाइक चलती रहेगी। और यार इसको आप कितना भी लीन कर सकते हो, बाइक के अंदर अपोलो अल्फा H1 नहीं है, लेकिन ये जो टायर्स हैं मैंने लीन करके देख लिया है, बाइक को आप लीन कर सकते हो यार, ये टायर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
चाहे वो स्टेबिलिटी की बात हो, चाहे वो लीन करने की बात हो, चाहे वो मैन्युवरेबिलिटी की बात हो, ना तो स्टेबिलिटी कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और आपको रोड प्रेजेंस देखनी है तो आप रोड प्रेजेंस देख सकते हो यार, कितनी अच्छी रोड प्रेजेंस है बाइक की। आप रियर से अगर देखोगे तो आपको किसी एंगल से नहीं लगेगा कि इस बाइक के अंदर 150 सेक्शन का नहीं है बल्कि 140 सेक्शन का टायर है, क्योंकि 140 अपॉन 70 सेक्शन का टायर ही दिया गया है। प्रोफाइल टायर की बहुत अच्छी है, रियर प्रोफाइल भी यार बाइक की बहुत शानदार लगती है। एग्जॉस्ट अब बाइक के अंदर भले ही ब्लैकआउट कर दिया हो, लेकिन ब्लैकआउट करने के बाद बाइक का जो इंजन है और बाइक के जो बाकी पार्ट्स हैं उनसे बिल्कुल ये मैच कर रहा है। फर्स्ट टाइम जब हमने इस बाइक के एग्जॉस्ट को देखा था तो थोड़ा डिफरेंट लग रहा था, मतलब कि ऐसा फील आ रहा था कि ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा यूज्ड हो गए हैं ना देखने में, तो अब ऐसा लग रहा है कि यार ये थोड़ी सी स्पोर्टीनेस ऐड कर रहा है बाइक के अंदर, थोड़ा यूथफुल बना रहा है बाइक को और बाइक का करेक्टर थोड़ा सा एनहेंस ही कर रहा है। एग्जॉस्ट अब आप देखोगे तो बाइक की रोड प्रेजेंस पे बिल्कुल भी ये खराब नहीं कर रहा है, बल्कि बाइक की रोड प्रेजेंस थोड़ी इंप्रूव हो रही है एग्जॉस्ट की वजह से। सो बैक प्रोफाइल तो आपने देख लिया, अगर मैं आपको फ्रंट प्रोफाइल भी दिखाने की कोशिश करूं तो बाइक की फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो यार ये जो व्हाइट कलर है ये देखने में भी यार बहुत शानदार है और बहुत ही प्यारा लुक दे रहा है। आपको ट्रिपल टोन टाइप की कलर कॉम्बिनेशन मिलेगी, लुक्स डिजाइन और स्टाइल के अंदर कोई डिफरेंस है ही नहीं, एक्जैक्टली बिल्कुल सिमिलर है ट्रैम स्पीड 400 से। सिटी में राइड करते हुए मैं बहुत बार भूल जा रहा हूं कि मैं गियर शिफ्ट बार बार कर रहा हूं, बट मुझे करने की जरूरत है नहीं। बड़े गियर में कम स्पीड में जब बाइक को राइड करते हो तो एग्जॉस्ट और ज्यादा अच्छा निकल के आता है, और ज्यादा निखर के आता है। और एक छोटा सा डिफरेंस ये भी है कि इस बाइक के अंदर जो एयर बॉक्स प्रोफाइल है वो भी हल्की सी मॉडिफाई की गई है, वो चेंज हो गई है, उसको थोड़ा रीडिजाइन किया गया है, जिसकी वजह से एयर इनटेक इस बाइक के अंदर थोड़ा सा चेंज किया गया है, जिसकी वजह से इंजन की जो करेक्टर है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है। बस 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 और बाइक के डायमेंशंस की जहां तक बात है तो इसका वेट थोड़ा सा ज्यादा है, 180 केजी इसका वेट है, तो उसकी वजह से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है बाइक पे। बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो स्पीड 400 से कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है। स्पीड 400 अगर 0 टू 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर 3 सेकंड में अचीव कर रही है तो ये 3.3 सेकंड्स के अंदर अचीव कर लेती है। स्पीड 400 अगर 0 टू 100 7.6 सेकंड के अंदर जा रही है तो ये 8.9 सेकंड्स के अंदर जा रही है। तो आपको इजी टू राइड वाला फील इसके अंदर मिलेगा, कोई भागदौड़ वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको भागदौड़ वाली एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मशीन चाहिए तो आप स्पीड 400 पे जा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक ईजी टू राइड मशीन चाहिए तो आप T4 के ऊपर जा सकते हो। अगर आप टोर्क लवर हो, लो एंड टोर्क लवर हो, तो ये चीज़ मार्केट में एक ऐसी हब आ गई है जो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है मार्केट में। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बाइक की ये है कि बाकी जो कंपटीशन में है बाइक्स हैं, कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके अंदर जो आपको सर्विस है वो 3,000 से 5,000 किलोमीटर पर ही आपको करवानी पड़ती है, लेकिन इस बाइक के अंदर आपको 16,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल दिया गया है यार। यानी कि बाइक अगर आपने एक बार सर्विस करवा ली तो फिर 16,000 किलोमीटर के बाद करवानी है, और रफली मैं अगर उसको आपको बताऊं तो यार 16,000 पे मान लो आपको नहीं भी अगर करवानी है तो लगभग 8,000 से 10,000 किलोमीटर तो यार ये चलेगी ही, 8,000 से 10,000 किलोमीटर का सर्विस इंटरवल तो इसका रहेगा ही। तो मेंटेनेंस कॉस्ट इस बाइक की बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है, बहुत ज़्यादा भारी आपकी जेब पे नहीं पड़ेगी। सर्विस जो कॉस्ट है इसकी वो 2,000 रुपये के आसपास ही है। मैं स्पीड 400 ऑन कर चुका हूँ, सो उसके अंदर जो फ्री वाली सर्विस है जिसके अंदर आपके लेबर चार्जेस नहीं लगते हैं वो 2,000 रुपये के आसपास ही हो जाती है, लेकिन जब लेबर चार्जेस लगना स्टार्ट होंगे तो वो 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास में ही सर्विस आपकी हो जाएगी। तो इसको ऑन करना और मेंटेन करना आपकी जेब पे बहुत ज़्यादा भारी नहीं पड़ने वाला है, और ये ऑप्शन पे आप इसलिए भी जा सकते हो क्योंकि यहाँ आपको माइलेज थोड़ी बेटर मिल रही है। 30 से 35 किलोमीटर की माइलेज आपको मिल जाएगी, 40 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज भी आप इससे निकाल सकते हो हाईवे पे। और मैं तो यार इस बाइक से बिल्कुल इंप्रेस्ड हूँ, और इसका करेक्टर बिल्कुल अब समझ में आ गया है। इसका करेक्टर अपने आप में यूनिक है और अपने आप में एक इंडिविजुअलिटी है यार इस बाइक की। सो यार बाइक को हमने राइड करके देख लिया है, सिटी में भी, हाईवे पे भी और अरावली हिल्स में भी, हर टाइप के रोड पे बाइक को राइड करके देखा है, तो बाइक से यार बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ मैं तो। सस्पेंशन की बात हो, चाहे ब्रेकिंग सिस्टम की बात हो, चाहे परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे टॉर्क की बात हो, हर एक एंगल से बाइक बहुत अच्छी निकल के आई है। अगर आप एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड राइडर हो तो आप स्पीड 400 की टेस्ट राइड ले सकते हो, वो आपके लिए बनी है, लेकिन अगर आप एक ऐसे राइडर हो जो राइड का मजा लेते हुए चलते हो तो फिर आपको ट्रायंफ स्पीड T4 की टेस्ट राइड जरूर लेके देखनी चाहिए। ये बाइक आपके लिए ही बनाई है ट्रायंफ ने। और अभी भी अगर आप 2,50,000 रुपए में 350 cc की बाइक ले रहे हो ना, तो भाई नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक बार 400 cc की बाइक चला के देखो, आपको मजा आ जाएगा। तो यार इस वीडियो में फिर इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कुछ भी इस वीडियो में आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो @K2KMotoVlogs पे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।